हेलो दोस्तों, मैं हूँ हरीश। दोस्तों, बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और फार्म डी फर्स्ट ईयर का जो भी एडमिशन का शेड्यूल यहाँ पर अभी ऑनलाइन अपडेट हो चुका है 5/12/2022 को। यहाँ पर हमें बाकी अभी सभी लोगों की प्रोसेस हो चुकी है। जो भी बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। फॉर्म भर के आपने एफसी में जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया होगा। अभी आगे जो भी आपके सामने जो भी अभी सबसे पहले प्रोसेस क्या है, तो देखिए अभी 7 तारीख को आपको फाइनल मेरिट लिस्ट वहां पर देखने को मिलने वाली है और उसी दिन आपको प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके चालू होते हैं कैप राउंड्स। कैप राउंड्स मतलब आप सबको पता है कि सिंपली आपको क्या करना है, हर कैप राउंड में ऑप्शन फॉर्म फिल कर कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। तो वहां पर आप चाहे मतलब जितना चाहते हैं उतने कॉलेज, मतलब आप मिनिमम एक कॉलेज आपको अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम सभी कॉलेज वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉग इन बाई कैंडिडेट। तो कैंडिडेट आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें जो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं हर बार बताता हूँ हर वीडियो में कि फर्स्ट कॉलेज को जब भी प्रेफरेंस दोगे ऐसा कॉलेज देना जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर फर्स्ट कॉलेज का ऑप्शन आपने रखा है जिस कॉलेज को, वो कॉलेज अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है। वहाँ पर आप आगे नेक्स्ट कैप राउंड के लिए नहीं जा सकते। तो कैप राउंड 1 के लिए आपको 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपको वहाँ पर चांस है आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए। तो जल्दी से इन सभी डेट्स को लिख के रखो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे कि कोई भी आप मतलब डेट मिस ना कर दे, जिससे कि आप ऑप्शन फॉर्म ना भर पाए, इस तरह की गलती ना हो। इसलिए ये सभी डेट्स को नोट कर कर रखो और टाइम पर पहले ही दिन कैप राउंड के उस कैप राउंड के फॉर्म को ऑप्शन फॉर्म को भर लो। तो सबसे पहले आपने कैप राउंड का फॉर्म के लिए आपने अप्लाई किया, ऑप्शन फॉर्म भरा, फिर उसका जो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, मतलब आपको आपका नंबर लगा है या नहीं लगा, वो आपको 13 दिसंबर को पता चलेगा। तो 13 दिसंबर को अगर आपको कॉलेज मिला है, वो कॉलेज अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का है तो आपको वहाँ पर ऐटो फ्रीज हो जाएगा। अगर वो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़कर बाकी कॉलेज है, अगर आप चाहते हैं तो 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, उसको ऑनलाइन लॉगिन में जाकर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं सीट्स को। और उसी डेट्स के मतलब 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर उसको एडमिशन कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं लेना चाहते, आपका फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज नहीं है और आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते और बेटर के लिए बेटरमेंट के लिए आपको जाना है, तो आप आपकी ऑनलाइन फीस पेड कर कर बेटरमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिससे कि आप सेकंड कैप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड कैप राउंड में आप अप्लाई करते हैं बेटरमेंट के लिए, अगर आपको कॉलेज मिलता है आपके पसंद सेकंड कैप राउंड में, तो आपका फर्स्ट कैप राउंड का कॉलेज आपको नहीं मिलता। अगर सेकंड कैप राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता, तो आपको फर्स्ट कैप राउंड वाला कॉलेज आपको जाकर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले कैप राउंड के बाद हो गई बात हो गई, तो अभी सेकंड कैप राउंड के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो सभी लोग सेकंड कैप राउंड के लिए जो भी होगी उसकी 17 दिसंबर को प्रोविजनल वैकेंट सीट्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब कितने से सीट्स कैटेगरी वाइज वहाँ पर अवेलेबल है कॉलेज वाइज, वो आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट कैप राउंड हो जाने के बाद। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक सेकंड कैप राउंड का, और 22 दिसंबर को आपको वहाँ पर पता चलेगा आपका कॉलेज में नंबर लगा है या नहीं लगा है। अगर कॉलेज में नंबर लग जाता है तो सेम प्रोसेस, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का हो तो आपको लेना ही पड़ेगा, बाकी सेकंड थर्ड होगा। अगर आप चाहते हैं लेना है तो एडमिशन 30 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज को ऑनलाइन सीट जाकर आप एक्सेप्ट कीजिए और कॉलेज में जाकर अपने वहां पर जाकर एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देकर। तो अगर यहाँ पर भी आपको पसंद नहीं है और फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं है आपको मिला, तो फिर से भी बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। तो अभी थर्ड कैप राउंड के बारे में बात करते हैं। फिर आपको 27 दिसंबर को पता चलेगा थर्ड कैप राउंड के लिए वैकेंसी कितने हैं प्रोविजनल। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आपको पता चलेगा फिर 28 तारीख से लेकर 30 तारीख कर फिर थर्ड कैप राउंड को आपको अप्लाई करना है और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 2 जनवरी को। और जैसे रिजल्ट मिलता है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहां पर सिंपली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक, और कॉलेज में जाकर अपना उसी दौरान आपको कॉलेज में जाकर आपका जो भी है एडमिशन कंप्लीट करना है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके। बाकी उसके नीचे जो भी सभी डेट्स है वो इंस्टीट्यूट के लिए, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो जिसको मतलब एक बार जरूर पढ़ना, जिससे कि कोई भी गलती ना हो।
उसके इस तरह के अपडेट मैं आपको लेकर आता रहता हूँ, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हर किसी को आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी।